व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी गाइस, आज मेरे चैनल पे बहुत जबरदस्त वीडियो अपलोड होने लगी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो मिट्टी की हंडिया है ना, उसको जो ये जो नीचे वाला इसका पार्ट होता है, इसको सेव करने का तरीका, ठीक है। कुछ लोगों को इस चीज का नहीं पता, लेकिन आज जो मैं ये आपके लिए वीडियो लेके हूँ, बहुत ही जबरदस्त है। इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि कोई चीज मिस ना हो। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसे नीचे वाले पार्ट को सेव करने का तरीका। तो लेकिन उससे पहले, अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जी व्यूअर्स, उसके लिए हमें चाहिए गाची, ठीक है। इससे मुल्तानी मिट्टी भी बनती है। अगर आपको मुल्तानी मिट्टी बनाने का पता नहीं है तो मेरे चैनल पे जाएं और वहां पे मैंने बहुत ईजी तरीका बताया हुआ है मुल्तानी मिट्टी बनाने का। ये देखिए, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून पानी डालना है। गाची है ना, इसको मैंने बहुत ही अच्छे से ना मिक्स कर लिया पानी से। अब हम अपने इस हंडिया को उल्टा रख देंगे इस तरह से। मैं ना डेली लगाती हूँ, लेकिन ये 2 दिन मैंने नहीं लगाया क्योंकि मैंने आपको दिखाना था, क्योंकि वीडियो बनानी थी। इसके बाद हाथ की मदद से ना हम इस तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इससे ये होता है कि मिट्टी की जो हंडिया है ना, वो टूटती नहीं है और हंडिया गर्म भी ज्यादा देर रहती है। गांव में लोग बड़े शौक से ना ये मिट्टी की हंडिया के ऊपर इस तरह लेप करते हैं ना। वहां पे तो लोग ना मिट्टी के साथ ही करते हैं, लेकिन अब हमारे पास तो मिट्टी है नहीं, इसलिए हमने ये मुल्तानी मिट्टी, जिसे गाची भी बोला जाता है, मुल्तानी मिट्टी भी बोला जाता है, अब हम वो लगा देंगे। थोड़ा सा मैं अपने हैंड के ऊपर पानी डाल दूंगी ताकि ये अच्छे से ना प्लेन सा लग जाए। ये देखें, अब तकरीबन इसे ना 1 घंटे तक हम रख देंगे। अगर आप ज्यादा बेटर है कि आप ओवरनाइट लगा के इसे रखें, ओवरनाइट लगाने के बाद रात तक ये पड़ी रहेगी ना, तो बहुत अच्छी तरह ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब मैं इसे छोड़ दूंगी तकरीबन 1 घंटे तक, क्योंकि उसके बाद मैंने खाना बनाना है। बहुत ही अच्छे से मैंने लगा दिया इसे, ये नहीं कि कम लगाया, मैंने काफी ज्यादा लगाया। गाइस ये देखें, आपने देखा है कि किस तरह से मैंने इसे ना ये लगाया है, ठीक है। तो अब आपने भी इसे लाजमी घर पे ट्राई करना है और अपनी हंडिया के ऊपर इसे लगाएं और ओवरनाइट लगा के रख दें। अगर टाइम कम है तो 1 घंटा लगा के रखें। तो जी व्यूअर्स, कैसी लगे मेरी वीडियो, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं फिर मिलूंगी इसी तरह बहुत ही जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरा इंतजार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।